तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेक्स रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सभी को मेरे तरफ से सलाम दुआ और नमस्ते। और सभी साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन फैंस जो मम्मूटी सर और जीवा सर के जो फैंस हैं उनको सभी को मेरा वेलकम है। तो यात्रा टू जो ऑफिशियल ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है आज, तो तेलुगु में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तो मम्मूटी सर और जीवा सर जो तमिल और केरला के मतलब मलयालम के जो फेमस वर्सेटाइल एक्टर हैं, इन दोनों दोनों की मूवी है ये। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के रिएक्शन। तो ट्रेलर देखते हैं उसके बाद में बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक बार ट्रेलर अभी देखा है जस्ट अभी, तो पॉलिटिकल ट्रेलर है। तो चलिए गाइस देखते हैं ट्रेलर उसके बाद में बात करेंगे। पूरी वाईएसआर की स्टोरी होने वाली है ये, जो आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम थे पुराने, उनकी स्टोरी होने वाली है। और जब भी जो उनके बेटे हैं अभी वाईएसआर, उनकी स्टोरी होने वाली है। मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है ट्रेलर, तो चलिए गाइस पूरा ट्रेलर देखते हैं उसके बाद में कम्प्लीटली बात करेंगे इसके ऊपर। నా బిడ్డకి పుట్టుకతోనే చెవుడుందన్నా, చెవుడు వల్ల మాటలు కూడా రావు. ఏదో మిషన్ పెడితే వినపడి మాటలు వస్తాయని డాక్టర్లు చెప్పినారు అన్నా. మాకంత స్తోమత లేదు. మన రాష్ట్రానికి ఉన్న బడ్జెట్కి ఒక మనిషి మీద 4 లక్షలు ఖర్చు పెట్టడం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ రైట్ సార్. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టేనయ్యా, నాకు అర్థమైంది. కానీ మనం చెయ్యలేమనే మాట ఈ పాపకి అర్థమయ్యేలా చెప్పు. Tell him to stop the yatra immediately. ఈ ఓటమి ఎలా ఉండాలంటే మన దేశంలో ఎవడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎదురు తిరగాలంటే భయపడాలి. జగన్ రెడ్డి కడపోడు సార్, శత్రు మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాక వాళ్ళు నాశనమైపోతారు అని తెలిసిన శత్రువుకి తల వంచరు సార్. రోజుల్లో రాజకీయం చేయాలంటే సిద్ధాంతాలు విలువలు పనికి రావయ్యా. అవసరాలను బట్టి ముందుకు పోవాలి. ఎన్నికలు అయిపోయాక జనాల్ని మోసం చేసి నా క్రెడిబిలిటీ పోగొట్టుకోలేనన్నా. ఆ క్రెడిబిలిటీ లేని రోజు మా నాయన లేడు, నేను లేను. నువ్వు మా వైఎస్ఆర్ కొడుకు అన్నా, మాకు నాయకుడుగా నిలబడన్నా. అన్నా ఉన్నావన్నా, అన్నా అన్నా. నేను విన్నాను, నేను ఉన్నాను. తో బహుత్ హి మత్లబ్ బహుత్ హి అచ్చా ట్రైలర్ మత్లబ్ కట్ కియా హై ఇన్హోనే. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो यात्रा टू ये मूवी है, ये पूरा रियल स्टोरी मतलब वाईएसआर की, जो जगन जो अभी सीएम है आंध्र प्रदेश के, उनके और उनके पापा की, मतलब जो उनके वाईएसआर जो वाईएसआर शेखर रेड्डी उनके जो फादर थे जो ब्लास्ट में मारे गए थे, उनके बारे में और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में है ये पूरा. और कांग्रेस को और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को और कौन वो उनका नाम क्या है भाई, आंध्रा के जो चंद्रबाबू नायडू, उनकी और बहुत सारे मतलब मांजरेकर जो साहब है ना, चंद्रबाबू नायडू का कैरेक्टर प्ले किए हैं. और मम्मूटी सर ने आके वाईएसआर का कैरेक्टर प्ले किया है. तो वाईएसआर और जगन सर का कैरेक्टर आके जीवा सर ने प्ले किया है. तो बहुत ही अच्छा मेरे को दिखा. तो पूरा रियल स्टोरी के ऊपर बेस है ये ट्रेलर. तो देखना पड़ेगा अभी क्या है कैसा है ट्रेलर बोल के. तो ट्रेलर में तो बहुत अच्छा कट किया है, बहुत इमोशनल होने वाली है मूवी. आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के जो भी मतलब
आंध्रा के साउथ के जो ऑडियंस हैं उनके लिए बहुत स्पेशल और बहुत इमोशनल होने वाली है ये मूवी। और देखते हैं कैसा मतलब पब्लिक रिएक्ट करती है इस स्टोरी के ऊपर, जो रियल फैक्ट है और जो ये मूवी में दिखाया जाने वाला है। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी साउथ का ही हूँ, तो देखना पड़ेगा ये मूवी कैसी है क्या है बोल के। तो कास्ट आके मम्मूती सर जीवा ने बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा किया है, और महेश मांजरेकर ने चंद्रा एज ए चंद्रबाबू नायडू का कैरेक्टर प्ले किया है, तो बहुत अच्छा मेरे को लगा और इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे मेरे को। तो मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी और बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, तो वो एकदम मतलब ये इस मूवी को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे शायद मेरे को ऐसा लगता है। तो प्रोड्यूसर आके शिवा मेका, रिटन एंड डायरेक्टेड वे मही वी राघव करके बोल के हैं, रिटन एंड डायरेक्टर ही है। तो डायरेक्टर आके मही वी राघव ने जो डायरेक्शन किया है, तो मेरे को तो ट्रेलर वाइज बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब रियल स्टोरी है, रियल मतलब जो इंसिडेंट जो यात्रा इन्होंने की थी और यात्रा करके आफ्टर उनके जो फादर ब्लास्ट में जो एक्सपायर हो जाते हैं ना, उसके बाद में वयस जगन ने जो यात्रा करके वोट्स अपोजिशन के खिलाफ अकेले लड़के पब्लिक के साथ सपोर्ट के साथ इन्होंने इलेक्शन जीता था ना, तो उसकी स्टोरी है ये। और प्रॉपर अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो देखते हैं गाइस मतलब क्या है मूवी में कैसा है बोल के, पूरा फैक्ट दिखाया है या कुछ मसाला बना के इन्होंने मूवी को डाइवर्ट किया है क्या है, देखते हैं। मूवी रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगी। और रिलीज़ आके कब है, फरवरी शायद रिलीज़ डेट मैंने नहीं देखा, फरवरी एट को है रिलीज़ थिएट्रिकल ट्रेलर। तो देखते हैं गाइस मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो ट्रेलर वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा जो कहना था इस ट्रेलर के ऊपर मैंने कह दिया गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।